Our next C program read n numbers using keywords and display maximum and minimum numbers. In that case again reading n items. सबसे पहले keywords से read क्या करेंगे value of n. अगर n का value 5 है then runtime पर keywords से total number of n numbers भी कितने enter करना also 5. अगर n का value 10 enter किया then number कितने read कराओ 10 numbers like that. Among n numbers find out करना maximum और minimum numbers. Like that. What is the logics for that case? Generally, we are discussing for example, if value of n is entered as 5, and n ke case mein value ke enter kiya 5, then is case mein finally display kya karana hai? Minimum. Minimum means smallest number, and maximum. Maximum means largest numbers. In that case, this is the actual output variables. इसके through finally output display कराना. लेकिन inputs क्या है? This one is a input to the program. ये सबसे पहले programs के respect में input क्या required है? Value of n. N means number of required or entered numbers. अगर n का value 5 enter किया था, runtime पर total कितने value enter करने need है? इसके इसमें 5 values. Same अगर n का value 10 है तो runtime पर total value कितने enter करने need होगी 10 values like that means number of numbers कितने होंगे या values कितने होंगे depends upon value of n. Next time suppose that keyboard से enter किया on the output device monitor first time n value is enter किया क्या इस case में 5. Next time we actual numbers enter कराएंगे first time number enter किया like we want to enter numbers like that 2, 5, 7, 3, 1 like that. तो इस केस में मिनिमम नंबर क्या है? 3 स्टार्ट फ्रॉम 3 1 सॉरी 1 3 लाइक दैट. अगर n का वैल्यू 5 है तो फर्स्ट टाइम एंटर किया करो समथिंग 2 देन नेक्स्ट टाइम क्या एंटर करेंगे 5 नेक्स्ट टाइम 7 नेक्स्ट टाइम 1 नेक्स्ट टाइम 3 इसमें से मिनिमम नंबर क्या है 1 मैक्सिमम नंबर इज 7 फाइनली आउटपुट में क्या डिस्प्ले कराना है मिनिमम नंबर इज 1 मैक्सिमम नंबर इज 7 नेक्स्ट वन दिस इज द रिक्वायर्ड इनपुट एंड करेस्पोंडिंग आउटपुट. नाउ नेक्स्ट केस है इस केस में इसे पर्टिकुलर लॉजिक्स किस टाइप से इंप्लीमेंट करेंगे व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन बिहेवियर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिक्वायर्ड 3 वेरिएबल्स n min और max. फर्स्ट टाइम कीबोर्ड से एंटर किया किया इस केस में वैल्यू ऑफ n इज 5. नेक्स्ट रिक्वायर्ड थिंग क्या रहेगा इस केस में सबसे पहले इनिशियली एक सेपरेट वैल्यू क्रिएट करेंगे x प्लस लूप को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू रिक्वायर्ड होगा समथिंग i. इस फाइनल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कितने हैं देयर आर 5 वेरिएबल्स वी हैव रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन n का वैल्यू एंटर किया 5 5 क्या टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स. नेक्स्ट टाइम अब रीड क्या कराएंगे वैल्यू 4x x के केस में फर्स्ट टाइम क्या एंटर किया सपोज दैट 2 इफ वैल्यू ऑफ x इज 2 और फर्स्ट टाइम x का वैल्यू अगर 2 एंटर किया देन इनिशियली इसे एंटर्ड वैल्यू 2 को व्हाटएवर नॉट ओनली 2 अगर x का आपने जो भी वैल्यू एंटर किया इसी इनिशियल या फर्स्ट नंबर को मैं इनिशियली कंसीडर करूं दिस इज मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम मींस इनिशियली मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में असाइन करा लेंगे इनिशियल वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू ऑफ x मीन इक्वल्स टू max equals to value of x. अगर x के केस में 2 एंटर किया देन min और max दोनों में आसान क्या हो जाएगा also value as 2 2. next this is the first value means अभी only read क्या हुआ है first value. next time means enter कर चुके हैं as a number is 2. next time क्या एंटर हुआ this is the first input. अब रिमेनिंग केस में परफॉर्म क्या कराएंगे रिमेनिंग नंबर सारे के सारे नंबर लूप के थ्रू मैनेज करेंगे लेकिन लूप के थ्रू टोटल कितने इनपुट रीड डाउन करना है मींस टोटल इनपुट्स कितने रीड करना है n मींस 5 वन इनपुट ऑफ फर्स्ट इनपुट ऑलरेडी रीड डाउन हो चुका है रिमेनिंग इनपुट्स कितने बचे हैं 5 और 4 इनपुट्स इसलिए लूप लॉजिकली मैनेज करेंगे फ्रॉम 1 टू n और n माइनस 1 1 टू n माइनस 1s इस n का वैल्यू 5 है इसलिए 5 के 5 माइनस 1 इसका डिफरेंस क्या है 4 तो लूप कितने बार चलेगा 1 2 4 1 2 4 इनपुट्स रीड डाउन करने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या रहेगा अगेन रीडिंग वैल्यूज 4 नेक्स्ट वैल्यू 4x यूजिंग स्कैनफ. सपोज दैट x के केस में नेक्स्ट टाइम एंटर किया जब सेकंड इनपुट है 5 अगर x का वैल्यू नेक्स्ट टाइम 5 एंटर किया मींस दिस इज द सेकंड इनपुट्स. 5 के केस में अगर बात करें अगेन इन दैट केस
5 के केस में जस्ट 5 आसान केस में जाए इनसाइड वेरिएबल x, ना वैल्यू ऑफ x बिकम्स 5, जैसे ही x का वैल्यू 5 हो जाए नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराना है, मीन से एंटर्ड वैल्यू x को कंपेयर किससे करना है, मीन x एज वेल एज मैक्स, सबसे पहले मैं x को मीन से कंपेयर कर रहा हूँ, मीन्स मीन और x में पॉसिबल रिलेशन क्या हुआ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड x, सपोज मीन्स मीन के अंदर ऑलवेज मैनेज क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू एमंग विद एंटर्ड नंबर्स, मीन्स अभी टू नंबर एंटर किए दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है स्टोर किसमें होना चाहिए इनसाइड वेरिएबल मीन, मीन के केस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या सो रहा है टू, मीन्स फर्स्ट टाइम टू एंटर किया था, लेकिन इस केस में टेस्ट क्या कराएंगे, इफ एंटर्ड वैल्यू ऑफ मीन मीन्स इफ एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन मीन, सपोज स्टेड अगर मीन का वैल्यू 10 है और एक्स का वैल्यू 5 है तो इन दोनों में से मिनिमम कौन हुआ एक्स, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मीन में कैसा होना चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसलिए इसको अप्लाई करेंगे बाई यूजिंग सम कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन इनिशियलाइज मीन बाई एक्स, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू इसका मतलब मीन और एक्स में दोनों में से मिनिमम और स्मॉलेस्ट कौन है एक्स, तभी तो ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है देन मीन में क्या सन करा लेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स मीन्स एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स, सिमिलरली सेकेंड केस टेस्ट किसके लिए करें मैक्स, क्योंकि दोनों केस में मिनिमम भी मैनेज करें एज वेल एज मैक्सिमम भी मैनेज करें, सपोज दैट अगर एक्स का वैल्यू मैक्स से बड़ा है इस मैक्स में एवरी टाइम मैनेज क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिन में ऑलवेज मैनेज क्या करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू इसका मतलब एक्स बड़ा मैक्स है देन मैक्स में कैसा होना चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स मैक्स इक्वल्स टू एक्स, टेस्ट करते हैं फर्स्ट टाइम एक्स का मीन्स ऑलरेडी एक्स में टू एंटर किया है फर्स्ट इनपुट, नेक्स्ट टाइम एक्स का वैल्यू किया 5, 5 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन कैसा ट्रू और फॉल्स, 5 एक्स का वैल्यू किया करंटली 5 मीन का वैल्यू क्या है 2, 5 लेस देन 2 कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है होना भी चाहिए क्योंकि 2 ऑलरेडी 2 और 5 दोनों में से मिनिमम कौन है 2 जो कि ऑलरेडी मिन में अवेलेबल है, इसलिए कोई भी चेंजेस करने नीड ही नहीं, मैक्स के रिस्पेक्ट में चेक करें मैक्स में कंडीशन क्या है x वैल्यू ऑफ x इज 5 ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ मैक्स इज 2, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू इसका मतलब दोनों में से मैक्सिमम कौन है एक्स और मैक्स एक्स, इसलिए एक्स का न्यू वैल्यू किसमें सन हो जाएगा मैक्स में, नाउ वैल्यू ऑफ मैक्स बिकम्स 5 होना भी चाहिए रीजन क्योंकि 2 और 5 मीन्स टोटल अभी इनपुट्स कितने एंटर हुए 2 और 5 में से मैक्सिमम कौन था 5, इसलिए 5 किसमें मैक्स के अंदर, दोनों में से मिनिमम कौन था 2 किसके अंदर है मिन के अंदर, नेक्स्ट थिंग्स अगेन लूप एग्जीक्यूट हुआ फिर से सेकेंड टाइम, लूप के इसमें नेक्स्ट टाइम कौन सा इटरेशन हो रहा थर्ड इटरेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम एंटर किया एज अ 7, नेक्स्ट टाइम 7 एंटर किया देन अगेन इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज एंटर्ड इज 7, 7 के केस में 7 के रिस्पेक्ट में लॉजिक से अप्लाई करेंगे 7 लेस देन मीन, मीन क्या है 2, कंडीशन इज फॉल्स, नेक्स्ट टाइम क्या है नेक्स्ट इफ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है इसलिए बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है कोई भी एक्शन डिसाइड करने की जरूरत नहीं, लेकिन नेक्स्ट केस जब सेकेंड कंडीशन टेस्ट करेंगे एक्स का वैल्यू क्या करंटली 7 ग्रेटर देन मैक्स का वैल्यू क्या 5, अगेन कंडीशन ट्रू तो एक्स का वैल्यू क्या करंटली 7 जो कि अगेन किस में सन हो जाए मैक्स में, ना मैक्स बिकम 7 होना भी चाहिए था कि टोटल 3 इनपुट्स एंटर किए इन तीनों में से मिनिमम कौन है 2 जो कि ऑलरेडी मेन में अवेलेबल है, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है 7 जो कि ऑलरेडी मैक्सिमम में अवेलेबल है, इस टाइप से लॉजिक्स फॉलो करके मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट्स को मैनेज करना पॉसिबल, नेक्स्ट वन अगेन जब फोर्थ टाइम लूप इटरेट होगा नेक्स्ट टाइम एंटर क्या करेंगे लूप का कॉन्सेंट्रेशन थर्ड के लूप 2 से स्टार्ट किया था इस केस में यहाँ 1 से n माइनस 1 तक चलाना, नेक्स्ट टाइम एंटर किया वैल्यू एस 1 और वैल्यू 1 एंटर किया देन 1 के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या करना है 1 सबसे पहले किसमें साइन हुआ इफ एंटर्ड वैल्यू इज 1 इनसाइड एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है सॉरी नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम क्या साइन हुआ था 5 के बाद 7, 7 के बाद करंट वैल्यू क्या एंटर किया 1, 1 के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे इफ एंटर्ड वैल्यू इज 1, 1 लेस देन मिन, मिन का वैल्यू क्या करंटली 2, कंडीशन ट्रू और फॉल्स कंडीशन ट्रू, टोटल 4 नंबर एंटर इन 3 चारों में से छोटा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 1, इसलिए कंडीशन ट्रू है तो x का वैल्यू आसानी किस में हो जाएगा मिन में, x का वैल्यू ऑलरेडी क्या है 1 आसानी किस में होगा इनसाइड वेरिएबल मिन, नाउ वैल्यू ऑफ मिन बिकम्स 1,
नेक्स्ट वन, इफ सेकेंड कंडीशन टेस्ट करें वन ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स का वैल्यू क्या है इसके इसमें सेवन, देयर इज नो नीड ऑफ असाइनिंग दिस एक्स वैल्यू इन साइड मैक्स, क्योंकि फोर नंबर में से एमंग फोर नंबर अभी तक मैक्स कौन है सेवन, और सेवन ऑलरेडी ऑलरेडी का फाउंड हो रहा है इन साइड मैक्स, देयर इज नो नीड टू चेंज. नेक्स्ट वन अगेन, नेक्स्ट आएंगे फिफ्थ इटरेशन परफॉर्म कराएंगे, फिफ्थ इटरेशन के अकॉर्डिंग एंटर किया वैल्यू एज थ्री, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके इसमें थ्री, सपोज दैट नेक्स्ट टाइम एंटर किया वैल्यू ऑफ एक्स इज थ्री. नेक्स्ट टाइम वर्किंग या कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में टेस्ट करेंगे, थ्री के रिस्पेक्ट में, थ्री के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या रहेगा इन दैट केस, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है इस केस में थ्री लेस देन मिन, मिन इज वन, इन फाइव नंबर में से ऑलरेडी मिन कौन है वन, और मन वन ऑलरेडी किस प्लेस पर अवेलेबल इन साइड वेरिएबल मिन. नेक्स्ट टाइम सेकेंड कंडीशन टेस्ट करेंगे थ्री लेस देन मैक्स, मैक्स वैल्यू क्या है सेवन, कंडीशन सॉरी इस केस में कंपेरिजन किस हो रहा है ग्रेटर देन से, तो इसलिए यूज क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन ग्रेटर देन, अगेन कंडीशन फॉल्स, मीन्स दोनों ही कंडीशन फॉल्स है इसलिए कोई भी चेंजेस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. फाइनली इन फाइव नंबर में से मिन क्या था वन, ऑलरेडी मिन में अवेलेबल है, मैक्सिमम क्या था सेवन, ऑलरेडी मैक्स में अवेलेबल. फाइनली आउटपुट में एंड में डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई सॉरी प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ मिन एंड मैक्स. नेक्स्ट थिंग्स, फाइनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, राइट डाउन करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अबव प्रॉब्लम, देयर आर फाइव वेरिएबल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर, वेरिएबल एस मिन एंड मैक्स एंड एक्स एंड आई एंड एन. नेक्स्ट टाइम इनपुट्स में क्या रीड डाउन करना है, नंबर ऑफ एंटर्ड इनपुट्स और एंटर्ड वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ एन, प्रिंट एफ और पोर्ट्स फंक्शन, पोर्ट्स एंटर वैल्यू ऑफ एन और हाउ मैनी नंबर यू वांट टू इनपुट, स्कैन एफ परसेंट डी, वैल्यू किसमें रीड कराना है नंबर में, इसलिए यूज क्या करेंगे एम परसेंट ऑफ एन. नेक्स्ट टाइम फर्स्ट इस केस में जब लॉजिक इम्प्लीमेंट किया एन का वैल्यू एंटर होगा समथिंग फाइव इन दैट केस एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस केस. नेक्स्ट टाइम वैल्यू किसका रीड डाउन करना है एक्स का, मीन्स टोटल आपको वैल्यू कितने रीड कराना है एन, इन दोनों में से इन दो एन वैल्यूज को रीड किस टाइम से कराएं, फर्स्ट इनपुट या फर्स्ट वैल्यू रीड डाउन कराएंगे आउटसाइड लूप, फर्स्ट वैल्यू कहाँ रीड कराना है आउटसाइड लूप, रिमेनिंग एन माइनस वन वैल्यू किस प्लेस पर रीड कराना है इनसाइड लूप, इनसाइड लूप लाइक दैट. फर्स्ट वैल्यू आपको लूप के बाद रीड कराना होगा एक्स के लिए, इसलिए रीड डाउन क्या करेंगे सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे अगेन पोर्ट्स एंटर नंबर, पोर्ट्स एंटर आइटम, देन यूजिंग स्कैन एफ परसेंट एक्स, एक्स के लिए रीड डाउन कराना है मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम अगर रीड करना है यूज क्या करें परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एक्स. नेक्स्ट वन एक्स का वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रीड डाउन कराने के बाद इसको इनिशियलाइज या आसानी किस्म करा लेंगे मिन और मैक्स के फॉर्म में, तो इसलिए नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या रहेगा मिन इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू एक्स, जब असाइनमेंट होगा असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होगा सबसे पहले एक्स का वैल्यू मैक्स में साइन होगा देन मैक्स का वैल्यू मिन में साइन होगा, उसके बाद आपको लूप मैनेज कहाँ से कहाँ तक करना है फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, वन टू एन माइनस वन तक लूप मैनेज करने के लिए सिंपली आई का इनिशियलाइजेशन करेंगे विद वन, वैसे लूप कब तक चलाना है आई लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस वन, और इसी का अल्टरनेटिव वे क्या है ओनली आई लेस देन एन, इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है सेकेंड कंडीशन, मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है इसलिए मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ आया जाए ओनली आई लेस देन एन. नेक्स्ट वन एवरी टाइम सीरीज में डिफरेंस कितने का रहेगा वन का, इसलिए यूज क्या करेंगे आई प्लस प्लस. फाइनली लूप मैनेज करने के जस्ट बाद इनसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बॉडी पार्ट में नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है रीडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहले परफॉर्म क्या कराना है रीडिंग नेक्स्ट वैल्यू फॉर एक्स, इसलिए मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे पुट्स एंटर नेक्स्ट आइटम,
enter next item, because first item already beginning में read down कर चुका हूँ, just outside body of loop. Next time item read down करने के बाद read किसके through कराएं, using scanf, scanf percent d m percent of x. Again read क्या करें, value of x. First time x क्या value क्या into something to next time 5 7, means first value can read to the outside loop, remaining 4 value can read down inside body of loop. लूप के अंदर x का वैल्यू रीड डाउन करने का देन पुट क्या करेंगे, दैट लॉजिक्स मींस सेम लॉजिक्स प्रॉपरली राइट डाउन कर रहा हूं. फर्स्ट कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ x इज लेस देन वैल्यू ऑफ मीन, अगर x का वैल्यू मीन से छोटा है, इसका मतलब इन दोनों में से मिनिमम कौन हुआ, x, क्योंकि x का वैल्यू छोटा है जस्ट बिकॉज ऑफ लेस देन, इसलिए मीन में क्या सॉल्व कराएं, नाउ न्यू वैल्यू ऑफ मीन इज x. सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर मैक्सिमम, इफ अगर एक्स का वैल्यू मैक्स से बड़ा है, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग मैक्स, देन मैक्स के केस में भी क्या आसान कराएं, ऑल्सो मैक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्स. फाइनली जब इस लूप के केस में सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, देन फाइनल कंट्रोल कंसेंट होगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. लूप के बॉडी के बाद डिस्प्ले क्या कराना, सिंपली वैल्यू ऑफ मीन एंड वैल्यू ऑफ मैक्स, क्योंकि इसके अंदर स्टोर क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू. प्रिंट एफ मिनिमम नंबर इज परसेंट डी स्लैश एन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ मीन. इसके साथ मीन और मैक्स में सेपरेट प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले करा रहा हूँ. सेकंड प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या कराएंगे, मैक्सिमम वैल्यू. प्रिंट एप मैक्सिमम वैल्यू इज परसेंट डी स्लैश एन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ मैक्स इज कंप्लीटेड. इस तरह से लॉजिक्स के थ्रू among n items minimum और maximum value find out करना possible है.